मुजफ्फरनगर नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर बारात की चढ़त के दौरान ब्यूटी पार्लर से श्रृंगार कर लौट रही दुल्हन भी कार का सनरूफ खोलकर थिरकने लगी। उसे देखने को बारातियों की भीड़ लग गई। तभी तेज गति से आई कार ने नाच रहे बारातियों को उड़ा दिया। कई बाराती कार की टक्कर से हवा में उछलते हुए दिखाई दिए। अचानक हुए हादसे में मौके पर कोहराम मच गया। हादसे में घायलों को भर्ती कराया गया, जिसमें दूल्हे के चचेरे भाई की मौत हो गई। 12 घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर निवासी अंकुल की शादी शेरनगर गांव निवासी हेमा के साथ तय हुई थी। शादी का कार्यक्रम नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के बीबीपुर चेक पोस्ट के पास स्थित पैराडाइज बैंकेट हॉल में था। दूल्हा अंकुल सिंचाई विभाग में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत है। रात्रि लगभग 1 बजे बाराती नाचते हुए बैंकेट हॉल के गेट पर पहुंच गए। इसी बीच ब्यूटी पार्लर से दुल्हन को कार लेकर बैंकेट हॉल के गेट पर पहुंच गई। परिवार के लोगों की जिद पर दुल्हन कार के सनरूफ को खोलकर कार की सीट पर खड़े होकर नाचने लगी। सभी बाराती दुल्हन के नाचने पर काफी खुश नजर आ रहे थे। इसी बीच मंसूरपुर की तरफ से आई तेज गति की कार ने नाच रहे बारातियों को रौंद डाला। दुल्हन के कार के पास खड़े बाराती कार की टक्कर लगने से लगभग 10 फीट उछलकर सड़क पर जा गिरे। कार की टक्कर से 13 लोग घायल हो गए। हादसे में मौके पर कोहराम मच गया। आनन फानन में बारातियों व धरातियों ने अपने वाहनों से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस भी आ गई। हादसे में घायल हुए दूल्हे के चचेरे भाई प्रमोद निवासी बहादुरपुर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।